हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दीशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी आप दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न, बहुत ज़्यादा पेन या फिर सूजन के साथ डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उस टाइम पे डेंटिस्ट आपको दो ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको दांत बचाना है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर कैप करके लेना पड़ेगा, और अगर आपको दांत नहीं बचाना है तो इस दांत को हम निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये दोनों ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में और दांत निकलवाने में क्या खर्चा आता है, उसका कॉस्टिंग क्या है टोटल, और लॉन्ग टर्म में ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन कैसा रहता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि अगर आपको भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है या दांत निकलवाना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहला और मेन टॉपिक ये समझना है कि जो दांत निकालने का प्रोसेस होता है उसमें आपके दांत पे इन्फेक्शन होने की वजह से आपको दांत में दर्द हुआ है, जो इन्फेक्शन है वो दांत की सड़न की वजह से हुआ है, हमने वो सड़न को घर पे ही ट्रीट किया होगा, पहले बहुत सारे होम रेमेडीज किए होंगे, कभी कभार पेन किलर भी ले लेते हैं पेशेंट्स, और जब नहीं होता है तब भी डेंटिस्ट के पास आते हैं। तो जो आपका दांत है सड़न है या दांत में जो इन्फेक्शन है वो पूरा ही दांत निकाल देते हैं, तो उस टाइम पे आप आपका दांत ही लॉस कर देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे दांत में बहुत हमारे मुंह में बहुत सारे टीथ है तो चलो एक दो निकलवा दिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हर एक दांत का शेप और साइज अलग अलग है और उसका जो पर्टिकुलर प्लेस है वो भी अलग है। हमारे आगे के दांत क्यों ऐसे फ्लैट और पतले है और पीछे के जो हमारी दाढ़े हैं वो क्यों बड़ी है और कर्व है उस पर, क्योंकि हम आगे के दांतों से तोड़ते हैं, पीछे के दांतों पे चबाते हैं। सो हर एक दांत का उसकी जगह पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है। सो जो दांत निकलवा देने का प्रोसेस है, अगर आप वो चूज करते हैं तो उस टाइम पे आप आपका दांत ही निकाल देते हैं, यानी कि आप आपका दांत ही गवा देते हैं, उधर कुछ भी नहीं बचता है। जबकि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं कि दांतों का जो इन्फेक्शन है या दांतों की जो सड़न है हम उसे रिमूव करते हैं, आपका पेन जो पार्ट है उसे रिमूव करेंगे और आपके दांत को उसी की जगह पे उसके फंक्शन के लिए सेव करेंगे। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस यही है रूट कैनाल ट्रीटमेंट और दांत निकलवाने में, कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम हमारे दांत को बचाते हैं, उसको उसी की जगह पे, और दांत निकलवाया तो निकल गया दांत, फिर उधर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि लोग दांत निकलवाने का ऑप्शन क्यों चूज करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि ये मेंटालिटी है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कि बहुत सारे दांत है, एक दो निकलवा दिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हमने पहले ही बात कर ली कि ऐसा नहीं है, हर एक दांत का फंक्शन अलग है तो हर एक दांत को सेव करना ज़रूरी है। दूसरा है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है तो उस टाइम पे जो डेंटल पेन है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। सो जब भी पेशेंट पेन में होता है तो एज अ इमीडिएट रिएक्शन उनको लगता है कि नहीं, हमें दांत निकलवा देना है, नहीं बचाना है, इतना सारा पेन क्यों बैर करेंगे हम, करेक्ट। और थर्ड ऑप्शन है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जब दांत बचाने की बात करेंगे, किसी चीज़ को सेव करना है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है तो थोड़ा खर्चा भी आता है, और जो दांत निकलवाने का प्रोसेस है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। सो कभी कभी कॉस्ट इश्यू को लेके भी पेशेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बदले दांत निकलवाना प्रीफर करते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाती है तो आपके दांत की कंडीशन, आपके दांतों के इन्फेक्शन के हिसाब से कभी कभी दो या तीन सीटिंग में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है, जबकि जो दांत निकलवाने का प्रोसेस है वो सेम ही सिटिंग में कर सकते हैं, उसी टाइम पे एनेस्थेसिया देके दांत निकाल सकते हैं। सो जो आपका डेंटल ट्रीटमेंट के अपॉइंटमेंट से वो भी कम हो जाते हैं दांत निकलवाने में। तो ये सारे ही ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर पेशेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बदले दांत निकालना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो दोस्तों, अब बात करेंगे कि दांत निकलवाने के बाद क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये फोटो में देखिए कि हमारा जो नॉर्मल ऑक्लूजन रहता है वो इस तरह का रहता है, जो हमारे ऊपर के दांत हैं वो हमारे नीचे के दांतों में, नीचे के दांतों के जो कर्व्स बोलते हैं ना, जिसे कस्प बोलते हैं हम लोग, उसे आप कर्व बोल सकते हैं, जो खड्डे रहते हैं ऊपर नीचे, उसी खड्डों में ऊपर के दांत जॉइंट होते हैं, वो नेचुरली ऐसे बने हुए रहते हैं कि एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से बारीक होता है और हम खा सकते हैं, ये नॉर्मल ऑक्लूजन है। बट जब आप कोई भी एक दांत निकलवा देते हैं तो जो आजू बाजू के दांत है वो उस जगह में शिफ्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, लॉन्ग टर्म। इमीडिएटली तो आपको वो चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट जैसे ही आप वो दांत निकलवा देते हैं और कुछ टाइम के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके आसपास के जो दो टीथ रहते हैं, वो जो बीच का दांत जहाँ निकलवा दिया है हमने, उधर हल्के हल्के से शिफ्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ इस प्रकार से मुड़ने लगते हैं।
और एग्जैक्टली जहां पर आपने दांत निकलवा दिया है उसी के ऊपर वाला जो टीथ है वो भी नीचे, अभी उसको कोई स्टॉप नहीं है, करेक्ट? पहले तो कैसा था, ऊपर का दांत नीचे के दांत को टच होता था जिसकी वजह से वो उसी के प्लेस पे रहता था, बट जैसे ही आपने ये नीचे का या ऊपर का दांत निकलवा दिया तो उसका जो भी ऑपोजिट टीथ था, फॉर एन एग्जाम्पल हमने नीचे का निकलवा दिया तो जो उसका ऊपर वाला टीथ था उसको स्टॉप चला गया वहां से, तो उसकी वजह से जो आपका ऊपर वाला टीथ है वो कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे जहां पर आपने दांत निकाला है उधर पे जाके, मतलब वहां पर जाके ग्रो होने लगता है, जिसको सुपरा इरप्शन बोलते हैं, मतलब उसको कोई स्टॉप नहीं मिला, उसकी वजह से वो उसकी स्पेस में भी आने लगा और बाकी के जो दांत थे उसके लेवल से वो नीचे आ गया है। सो इस टाइम पे क्या होता है कि ऑलरेडी जब आप पेन में थे तब आपने उस साइड से खाना कम कर दिया होगा या खाना बंद कर दिया होगा, और दांत निकलवाने के बाद भी हमें डर लगता है कि कहीं उधर कुछ हो गया, तो पहले पेन था बाद में जख्म रहता है वहां पर, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है कि जिस साइड पे हमने दांत निकलवाया था उस साइड से ऑलमोस्ट हम खाना कम या बंद ही कर देते हैं। सो उसके बाद जब हीलिंग भी हो जाती है तभी भी आप उस साइड से खाना स्टार्ट नहीं कर पाते हमारी आदत की वजह से। और अगर इस उस केसेस में जहां पर आपने मल्टीपल एक्सट्रैक्शन कराए, यानी कि आपने हर एक साइड पे एक दो दांत निकलवाए हैं, तो उस टाइम पे आपका खाना प्रॉपर नहीं खाने की वजह से आपको डाइजेशन के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी कि हमारा दांत निकलवाने का जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं हमारी पाचन शक्ति को भी अफेक्ट करता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके खर्चे की। जब भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्चा दांत निकलवाने से डेफिनेटली ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें हम किसी चीज़ को सेव कर रहे हैं। सो यूजुअली रूट कैनाल कराने का जो खर्चा है वो 2000 से लेके 5000 तक आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप ये ट्रीटमेंट कहाँ पर और किसके पास करवा रहे हैं, मैं आपको एक रेंज बता रही हूँ। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसके ऊपर कैप भी करवाना ज़रूरी होता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक दे दूंगी मैं ऊपर, आप ज़रूर देखिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप क्यों करवाना पड़ता है। सो जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका मिनिमम खर्चा 1500-2000 से स्टार्ट होकर 4000-5000 तक भी आ सकता है, और बाद में उसी दांत के ऊपर आपको कैप करके लेना भी ज़रूरी होता है। सो अगर आप मेटल वाला कैप करते हैं तो अगेन उसका खर्चा एक कैप का 2000 से लेके 4000 तक भी आ सकता है, अगर आप सिरामिक वाला करते हैं तो उसका खर्चा 3000 से लेके 6000 तक भी आ सकता है, और अगर आप जिरकोनिया का क्राउन करते हैं तो उसका खर्चा 5000 से लेके 8000-10000 तक भी आ सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आप ये ट्रीटमेंट कहाँ पर करवा रहे हैं। और वर्सेस अगर हम दांत निकलवाते हैं तो यूजुअली दांत निकलवाने का जो खर्चा है वो 300-400 रुपए से स्टार्ट होके, अगर आपका कोई सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है या आपके सिर्फ रूट्स रह गए उस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा 800-1000 रुपए तक आता है। बट अगर दांत निकलवाने के बाद आप दांत रिप्लेस करवाने की बात करेंगे तो उस केस में आपको जो खर्चा है वो आपका रूट कैनाल से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि फिलहाल तो दांत निकलवा देते हैं, बाद का बाद में देखेंगे, बट जब हम खाने में प्रॉब्लम होने लगती है और हम जब दांत रिप्लेस कराने के लिए जाते हैं तब हमें पता चलता है कि रूट कैनाल करके कैप करने का खर्चा इंस्टेड इससे तो कम ही था, क्योंकि जब एक दांत निकालते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए अगर हम ब्रिज कर रहे हैं तो उसका आगे का और पीछे का, यानी कि जो दांत निकाला था उसके दोनों साइड के एक एक टीथ का सपोर्ट लेना पड़ता है, और वो सपोर्टिंग टीथ पे भी कैप आता है। सो अल्टीमेटली हमें एक दांत अगर रिप्लेस करना है तो उस टाइम पे हमें 3 कैप बिठाने पड़ते हैं, यानी कि आपको जो खर्चा है वो 3 कैप का आता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मेटल वाला भी कैप करते हैं ब्रिज के लिए तो उस टाइम पे अगर आपका मेटल के क्राउन का कॉस्टिंग 2000 है एक कैप का, तो हमें रिप्लेस करने के टाइम 3 कैप का खर्चा आने वाला है, इट मीन्स आपका जो खर्चा है वो 6000 तक जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें दांत निकलवाने के बाद अगर दांत रिप्लेस करवाना है तो उस टाइम पे खर्चा बढ़ जाता है। सो आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या फिर दांत निकलवाना चाहिए, और दांत निकलवाने के बाद रिप्लेस क्यों करवाना चाहिए इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अगर उनका भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो इजीली हम दूर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।